अगली खबर का रुख करेंगे। पीएफआई के 19 आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत अर्जी का शासकीय अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। सभी पर देशद्रोह समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब्दुल रऊफ जमाल समेत 19 आरोपियों ने जमानत याचिका लगाई थी, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर, पीएफआई के 19 आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका यहां लगा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर का रुख करेंगे। शब्बीर, पीएफआई के 19 आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, क्या अपडेट? बिल्कुल, एक बात की जाए तो पिछले साल इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। पूरे देश भर के अलग अलग जगहों पर इनकी गिरफ्तारी हुई थी। पीएफआई से जुड़े हुए और मध्य प्रदेश में भी करीब 21 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई और उनमें से 19 लोगों ने जमानत याचिका लगाई थी। उनका कहना था, उनके वकीलों की तरफ से कहना था कि चार्जशीट पेश हो चुकी है, अब इन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जो सरकारी अधिवक्ता है, इसके अलावा महाअधिवक्ता, उनकी तरफ से तर्क दिया गया था कल कोर्ट के अंदर, जबलपुर हाईकोर्ट के अंदर, कि इनकी जमानत इनको नहीं मिलना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि इन तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने जमानत याचिका लगाई, इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण धारा की बात की जाए तो देश विरोधी धाराएं इनके ऊपर लगी हुई है। इनके पास से कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले जिससे ये साफ पता चलता है कि जिहादी मानसिकता के हैं। इसके अलावा ये गजराए हिंद में जुटे हुए थे और अपना नेटवर्क पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश के गांव गांव में तैयार कर रहे थे। इन तमाम चीजों को कोर्ट के सामने रखा गया। इसके साथ साथ आपको बता दें, जो आरोपी है उनके पक्ष दिल्ली के मुजीबुर रहमान करके एक वकील है, उनकी तरफ से यहाँ पर पक्ष रखा गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि चार्जशीट पेश हो गई है तो इन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए। दोनों पक्ष को सुना जबलपुर हाईकोर्ट ने और ये कह सकते हैं कि कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद यह फैसला लिया है कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई, यानी 19 के 19 आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। अब इनके जो परिजन है और इनके वकील जो है वो अगली प्लानिंग में जुटे हैं। ठीक है शब्बीर, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।